पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाहन के विधायक राजीव बिंदल ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने 3 कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दलों को राजनीति न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसानों के फायदे के लिए देश के प्रधानमंत्री ने 3 कानून बनाए हैं। इन 3 कानूनों से देश के किसान को बेहद फायदा होने वाला है। वे कहीं भी अपनी फसल बेचवाने के लिए वे स्वतंत्र हो जाएंगे। उनकी फसल के उन्हें अच्छे उचित दाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के किसानों का किसी भी हालत में शोषण ना हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री प्रयासरत हैं और भाजपा सरकार लगातार किसानों के साथ बैठ के कर रही है ताकि किसानों की शंकाओं को दूर किया जा सके। राजीव बिंदल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का किसान अन्नदाता है। भारत की घरेलू सकल आय में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ कई बार बैठकें कर चुकी हैं और तब तक बैठकें करती रहेगी जब तक कि किसानों के सारे संशय दूर नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों में अगर कोई बदलाव करने की आवश्यकता है तो उसके लिए भी भाजपा सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून एक राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसमें भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को आज न्यूनतम समर्थन मिल रहा है, वह कई गुणा बढ़कर मिल रहा है जो पहले बेहद कम था। देश का किसान अन्नदाता है। भारत की इकोनॉमी में, आर्थिक स्थिति में, रोजगार सृजन के अंदर किसान का सर्वाधिक महत्व है और उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये बात भारतीय जनता पार्टी न केवल जानती है अपितु इस दिशा के अंदर सर्वत्र समय हमेशा कार्यरत है। आजकल जो किसानों के द्वारा और अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन चलाया जा रहा है, उस दिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र भाई मोदी जी की, केंद्र की सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में और सभी किसान भाई बहनों से आग्रह किया कि वो वार्ता करें और जितने टेबल राउंड वार्ता करें सरकार पूरी तरह से तल्लीन होकर के तैयार है। और जहां पर भी उनको ऐसा लगता है कि कहीं शंका है, कहीं संशोधन की आवश्यकता है, सरकार संशोधन के लिए पूरी तरह से बजिद है, तैयार है। सरकार ने 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड वार्ता के किए और अपनी ओर से प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि हम और गुरु का आदेश मानते हुए सदा वार्ता के लिए तत्पर हैं। हमारा ये कहना है कि इस आंदोलन को श्रद्धा पूर्वक हम देख रहे हैं, परंतु इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो लोग कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। राष्ट्र हित का मुद्दा है, इसके अंदर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के लिए हम जरूर कहना चाहेंगे कि वो इससे राजनीतिक रोटियां मत सेकें। अनेक मुद्दे हो सकते हैं, किसान और हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने अनेक अनेक योजनाएं चला करके किसान को समृद्ध करने का प्रयास किया है, चाहे वो 6,000 रुपया प्रत्येक किसान के खाते में डालने की बात, चाहे किसान की आमदनी को 2022 तक बढ़ा करके दुगना करने का सवाल, चाहे वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसान को सिंचाई उपलब्ध कराने की बात, और जहां तक MSP का सवाल है, उनको मिलने वाले मिनिमम और दाम का सवाल है। मोदी जी ने दामों को कई गुना बढ़ाया, सर्वाधिक बढ़ाया है, और बहुत सारी ऐसी उत्पाद हैं जिनके ऊपर MSP नहीं थी, उस पे MSP देने का काम किया है। दालों की MSP को मल्टीपल बढ़ा करके बड़ी मात्रा में दालों की खरीद की है। इस प्रकार से हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, किसानों के भले के लिए पूरी तरह कृत संकल्प है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और अनेक प्रकार के प्रयास सरकार कर रही है। ऐसे में जहाँ किसानों से आग्रह है कि वो अपनी वार्ता को जारी रखें, वहीं पर राजनीतिक और जो लोग हैं उनसे हमारा आग्रह है कि इस आंदोलन के अंदर वो राजनीतिक रोटियां ना सेकें।